अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, जिस तरह से हम पहले तो हम डेली चार्ट में हमने ट्रेंड डिफाइन कर लिया है, लास्ट वीक भी हमने वीकली रैपअप किया था, आज फिर जो हम इसको एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक जो हमने देखी थी क्लोजिंग एक बेरिश मोड पे हुई थी, तो हमने यही जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमने ये लेवल लिया था। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये इसका वीकली पे एक ये सपोर्ट जो इसकी वीक है, तकरीबन इसका देखें इसकी डाउन वीक है, इसकी अपवर्ड वीक है, ठीक है। तो इसको हमने लिया था तकरीबन बीच में लिया था 40,500 के अराउंड, ठीक है। तो मार्केट ने जो लो किया था वो मैं आपको बता दूं, इसका 40,400 के अराउंड यहाँ पे चले, एक मैं ये बना देता हूँ, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने सपोर्ट की। तो अभी फिलहाल देखें तो इस ये लेवल अभी रिटेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको ज़रा कैंडल के हवाले से थोड़ा बता दूं, विक का क्या होता है, बॉडी का क्या होता है। विक जो होता है ये हाईएस्ट साइड होता है, हाईएस्ट नहीं यहाँ का किया, मैं एक आपको कैंडल बता देता हूँ। चले ये हम ये कैंडल ले लेते हैं, एक बुलिश कैंडल है ये, ठीक है ना। बुलिश कैंडल में जो ना ये बॉडी सबसे ये बॉडी होती है और एक आप देख रहे होंगे छोटी सी विक नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, जिसको देखते हुए लोग इसी को कैंडल बोलते हैं, कि भाई छोटी सी मोमबत्ती की तरह इसका धागा नज़र आ रहा है और ये एक बॉडी नज़र आ रही है, ये डाउन साइड की विक है, ठीक है। तो इसका इसको इसको रीड करने का ये है कि पहले तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी लेंगे। बॉडी जब ये मैंने तो येलो कलर दिया हुआ, मेरा अपना कस्टमाइज कलर है, इसको आप ग्रीन समझ लें या वाइट समझ लें, कोई वाइट रखता है कोई ग्रीन बॉडी रखता है, मोस्टली वाइट बॉडी होती है, ग्रीन और ग्रीन होती है। तो इसका जो ये अपर साइड है ना, अपर बॉडी का ये लाइन जो है, ये इसका कहलाएगा क्लोजिंग रेट। यहाँ पे ये इंडेक्स क्लोज हुआ है या शेयर क्लोज हुआ है, और इसकी बॉडी का जो लोअर साइड है यहाँ से ओपन हुआ था। अब यहाँ से ओपन हुआ, इसने क्या किया, ये लोअर साइड इसने ये लो किया, इसके बाद इसने ये यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसने अपर साइड यहाँ पे मूवमेंट बनाई, क्लोजिंग देखें इसने दी 42,000 के अराउंड, 42,092, और इसने जो है हाई किया था वो 21,666 का किया, क्लोजिंग जो है 42,092 पे आई। और मार्केट जो है ये ओपन हुई थी 40,223 पे। ये मैं वीकली वीकली बता रहा हूँ, ये पूरे वीक की कैंडल है, एक दिन की नहीं है, ये हर टाइम फ्रेम पे एक एक कैंडल फॉर्म होती है। अगर आप आवरली चार्ट पे करेंगे तो 1 आवर की ये कैंडल कहलाएगी, और अगर आप डेली पे देखेंगे तो ये पूरे दिन की कैंडल कहलाएगी। और ये मैं वीक जैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये पूरे वीक की कैंडल है, पूरे वीक में जो है इंडेक्स जो है यहाँ पे ओपन हुआ 40,223 पे, और क्लोज जो हुआ वो 42,092 पे हुआ था, और इसका हाई जो था वो 42,161 था, और लो जो था वो 39,778 था, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कैंडल की रीडिंग जो है। अच्छा, इसी तरह कर हम एक बेरिश कैंडल भी ले लेते हैं। बेरिश कैंडल में इसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे अब इसकी ये ओपनिंग जो है वो नीचे की साइड पे है, तो बेरिश कैंडल में ओपनिंग ऊपर की साइड पे होगी। मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ इसने हाई किया, मैं बता दूँ मार्केट जैसे ये बॉडी का ये अपर साइड ले लें यही वाली, ठीक है, ये हुआ 41,825। और देखिए फॉर्चुनेटली देखिए ये 41,825 जो है इस वीक का हाई भी था, इसी वीक का, ये एक वीक की कैंडल है और इसका ये हाई भी था। तो इस मतलब इसकी सिग्निफिकेंस बनती जा रही है, ठीक है। जब से ये मार्केट ने लो किया, इसके बाद इसने अपर साइड मूवमेंट दिखाई, तो ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया था। चलें इसको भी हम चलें ठीक है, ऑलरेडी लोअर बैंड बना हुआ है इसका, तो इसी को हम कंसीडर कर लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये इसके इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनी है छोटी सी बनी है, तो इसके बाद ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया था 41,825। जब इसको ब्रेक किया यहाँ पे इसने ये वाली कैंडल समझ ली, ये ब्रेक हुई, तो ये इसका रेजिस्टेंस अगेन रेजिस्टेंस बन गया, जो इस वीक में हमने देखा कि मार्केट ने रेजिस्ट किया था यहाँ पे। और रिजेक्शन भी देखिए अच्छी खासी देखेंगे, जो है यहाँ पे सेलर जो है या प्रॉफिट टेकर्स जो है वो एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे तक वो ले आए। तो अगर हम इसको हम देखें तो इसकी बॉडी बन रही है 41,825 पे, ओपन हुआ ये इस वीक में, ये कौन सी वीक का है, जुलाई का, 18 जुलाई के वीक का है, तो ये ओपन हुआ और यहाँ पे उसने हाई किया 42,077 का, फिर इसने लो भी किया जो आपके सामने 39,546, ये इसका अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है।
और उस वीक में इसकी क्लोजिंग दी थी, ये नीचे वाली साइड में लेंगे, उस वीक में हमने इसने क्लोजिंग दी थी 40,075 की, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बुलिश में जो है अपर साइड में है ये बॉडी जो है वो क्लोजिंग रेट होती है, और बेरिश में लोअर साइड वाली जो ये बॉडी है ये क्लोजिंग जो है उसकी होती है, चाहे वो शेयर्स की हो चाहे इंडेक्स की हो। होपफुली आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो चलिए हम अब वही जो हमारा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम CPR, तो हम बैक टेस्ट हमारा चल ही रहा है साथ साथ, और हम इस वक्त ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं अलॉन्ग विथ मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज में हमने ट्रेंड डिफाइन कर लिया कि अगर डेली चार्ट पे 200 MA के ऊपर अगर इंडेक्स है या कोई स्टॉक है तो अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में है एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी। इसी तरह डेली चार्ट में MA 200 के नीचे जो है मार्केट या स्पेसिफिक स्टॉक पे परफॉर्म कर रहा होता है, दैट मीन्स कि वो डाउन ट्रेंड में है, और इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये भी उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। अब अगर हम देखें, हम अगेन देखें, जिस तरह हमने डेली चार्ट में वीक ली थी ना, आज हम वीक लेते हैं और बॉडी दोनों लेते हैं, हम डबल जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। और कीप इन माइंड ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं, सॉरी वीकली चार्ट है, हाँ डेली चार्ट नहीं है, यहाँ पे हम ये इसकी विक लेंगे, एक एक कैंडल, चले इसकी भी विक ले लेते हैं, दो कैंडल, थोड़ी सी इसकी रिलायबिलिटी और अच्छी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ले ली अपर साइड, या एक समझ ले विक से हमने विक को टच किया है, और हम अब यहाँ पे इसकी बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, काफी टचेज हो गए, चले थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और ये ठीक है, इस वाली कैंडल की हमने विक भी ले ली इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब आप देखें कि एक और चीज़ जो मार्केट की डाउन चैनल का एक फिनोमेना है कि लोअर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह करते हुए मार्केट करती हुई आ रही थी। देखें अब ये देखें, यहाँ से यहाँ कंसोलिडेट भी हाई किया, यहाँ कंसोलिडेट की, यहाँ पे इसने लो किया, ये पहला इसका लो था, इसके बाद इसने ये सेकंड लो, सेकंड जो है या लोअर हाई किया, लोअर लो, फिर इसके बाद इसने इसका लो तोड़ा तो इसको लोअर लो कहते हैं, फिर इसने यही जो इसके नीचे हाई किया तो लोअर हाई, यहाँ इसने जो है डबल बॉटम किया, सेम लो था इसका, तकरीबन तकरीबन सेम लो था, इसके बाद इसने एक नया हाई किया, ठीक है ना। लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो गए कि भाई अब तो है ये तो ट्रेंड लाइन के, भाई ओहो ये तो नीचे वाला चैनल भी तोड़ दिया, ऊपर को भी रिट्रेस किया, और ये लोअर हाई भी नहीं किया इसने, हाई मतलब ये वाले लो का, लोअर हाई का इससे बड़ा हाई किया। अब देखें बहुत से लोग ब्रेकआउट जो है एंट्री लेते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड, हर किस्म के ट्रेडर होते हैं, कोई ब्रेकआउट ट्रेडर होता है, कोई बॉटम ट्रेडर होता है, तो वो जो भी ट्रेडर है, मैंने हमेशा कहता हूँ टेक्निकल में इंडिकेशन देन कन्फर्मेशन देन एंट्री, ठीक है ना। तो आज भी मैंने सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के ग्रुप में भी कहा था कि टेक्निकल में जो है ये बहुत ज़रूरी है कि कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें अब इसको इसने ये इसका ब्रेकआउट मिला नीचे वाले का, ठीक है। अब देखें दूसरी बात, बहुत से लोग हो सकता है वो ये विक भी करते हो, लेकिन मैं हमेशा विक भी लेता हूँ, बॉडी भी लेता हूँ, ताकि कन्फर्मेशन हो जाए और मज़ीद मजबूत रिलायबिलिटी और मजबूत हो जाए इसकी, स्ट्रांग हो जाए। तो देखें यहाँ पे कई हफ्तों से ये देखें यहाँ रेजिस्ट कर रहा था इसी ट्रेंड लाइन पे, अब यहाँ पे आया तो लोगों को इसने यहाँ पे ट्रैप कर दिया, ठीक है। यहाँ लोग समझे क्योंकि लोगों ने यही बनाई हुई थी ट्रेंड लाइन, इसकी विक नहीं ली हुई थी। तो मुझे फिर बीच में मैंने कहा चले आपको मैं साथ साथ ये भी सिखा दूं, जब मैं ट्रेंड लाइन सिखा रहा हूँ तो हमेशा विक और बॉडी के साथ बनाया करें तो आपको सही कन्फर्मेशन मिलेगी। अब इसमें हुआ ये कि इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, लोगों ने एंट्री ले ली यहाँ पे, जाहिर सी बात है ये क्लोजिंग आ गया ना, जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये बॉडी की अपर साइड क्लोजिंग है, यहाँ इसने क्लोजिंग दी, लोगों ने एंट्री ले ली। अब एंट्री ले ली, नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ मार्केट वही बेरिश कैंडल भी नहीं, यहाँ ओपन भी, और इसका हाई भी किया, जो लो जो लास्ट वीक का हाई था उससे हाई भी किया उसने, तो लोग और कहने लगे ओह अब तो ये अब ट्रेंड में आ गया है ये मार्केट ना, अब ये इसने तोड़ दिया और मार्केट का ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि इसने लोअर हाई जो था इसको भी तोड़ा है। तो देखें इसकी कन्फर्मेशन, नेक्स्ट वीक की कैंडल बेरिश हुई और इसका जो ये ब्रेकआउट था वो फॉल्स कह लें या फेक ब्रेकआउट इसका जो साबित हुआ, और इसके बाद जो देखें मार्केट ने जो कैसा ज़बरदस्त नीचे मूवमेंट दिखाया यहाँ पे, यहाँ पर तो आई कंसोलिडेट की उसने 41,000 पे। अब देखें जो जिन लोगों ने इस कैंडल पे
एंट्री ली होगी 46,500 से 41,000, 500 पॉइंट, 5,000 पॉइंट शेड हो गए, तो लोग ट्रैप हो गए इधर। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रैप होने से बचने के लिए कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप एंट्री लें। और इसकी मदद से देखें, ट्रेंड लाइन की मदद से आप काम करेंगे। अब जैसे अब हम अगला देख लेते हैं, अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। पहले तो हम CPR की मदद से काम लेंगे, ठीक है। एक तो हमको ये मिल गया 41,000, ये लोअर बैंड है इसका, तो देखिए अभी इसी के नीचे इसकी परफॉर्मेंस आ रही है कि दैट मीन्स अभी भी खतरे की घंटी बज रही है, ख़त्म नहीं हुई। अगर लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आती इस वीक की, जो कि 41,819 बन रहा है, अगर इसके ऊपर आती तो शायद हम अपसाइड देख सकते थे, फिर ये जाके मिडिल बैंड पे इसकी सपोर्ट आती। तो अब हम देखें कि यहाँ पे जिसका पिछला लो था 40,400, जब हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से डिफाइन किया था उसको, तो अभी उसने रिटेस्ट भी नहीं किया दोबारा। और यहाँ पे एक अच्छी, जैसे एक कहते हैं पिन बार जो है, इसको हम एक कैंडल ही समझेंगे। ये विक भी हम लेंगे क्योंकि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया तो एकदम से ये नीचे आया, ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया, एकदम से आया तो एक विक क्रिएट हो गई, तो इसको भी हम कैंडल ही इसको सपोज जो है एज्यूम करेंगे। तो आप देखें ये मार्क, ये ओपन हुआ इस वीक का और ये हाई किया इसने 41,000 को, और ये इसकी क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग जो अनफॉर्चुनेटली बहुत जो है उसके जो मीनिंगफुल होती है कैंडल की, तो देखें यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, दैट मीन्स कि अभी भी इसमें रेजिस्टेंस है, इस मार्केट में इस लेवल पे रेजिस्टेंस है। जब तक यहाँ पे इस लेवल पे भी इसकी सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होती यहाँ की, तब तक मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है। अच्छा, अब इसको हम देखेंगे, इसकी दो चीज़ें जिससे हम इसको हम देखेंगे। एक तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं, ठीक है ना। लास्ट वीक में जो वॉल्यूम हुआ था 47 मिलियन का हुआ था, और इस वीक में जो 471, और इस वीक में 571, 100 मिलियन का हमने इस पे इंक्रीज देखा है। और साथ ही साथ जो मैं रोज़ कहता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन वॉल्यूम के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोरिलेशन है, ज़रूर देखें। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है तो दैट मीन्स के कुछ पैसा इन कैश फ्लो इन हुआ है, और हो सकता है कि आगे जाके ये मार्केट अपसाइड पे जाए। तो दोस्तों इसके हवाले से भी अच्छी न्यूज़ है कि जो लास्ट वीक जो था उसमें हम कंपेयर करें तो उसमें हमने 93 बिलियन रुपीज़ का इंक्रीज़ देखा है। तो अभी जो स्टैंड कर रहा है वो 6.78 ट्रिलियन, या जिस तरह हम बिलियन में हम बोलें तो 6,782 बिलियन पे हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है स्टैंड कर रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है कि वॉल्यूम के साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंक्रीज़ हुआ है, तो हम बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी। और आने वाले दिनों में बस आप ये ख्याल रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी है और जो इंटरेस्ट रेट का जो कोरिलेशन है वो जो है से इन्फ्लेशन से इसका कोरिलेशन है, तो इन्फ्लेशन आपको पता है इस वक्त हाई साइड पे है, मगर हो सकता है कि ये जो अभी पेट्रोल की प्राइस कम हुई है इससे अगर कोई इन्फ्लेशन कम होता है तो हो सकता है कि अनचेंज हो मॉनेटरी पॉलिसी, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। और दूसरे को पता है यहाँ हर चीज़ में सियासत चलती है, तो अभी इसहाक डार साहब आए हैं तो हो सकता है अपना इमेज जो है वो अच्छा करने के लिए वो बोलें कि भाई नहीं यार, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएं आप। जिस तरह लास्ट वीक में भी काफ़ी चांसेस थे 1%, मैंने पहले भी कहा था कि 100 बेसिस से लेके 125 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो नए गवर्नर साहब आ गए स्टेट बैंक के, उन्होंने अपनी खुशी आने की खुशी में बोला कि अनचेंज है। बहरहाल अब जो है बस ये थोड़ा मोहतात रह के काम करना है, आने वाली वीक में जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट, तो बहरहाल केयरफुल होकर काम करना है। और लेकिन टेक्निकली अभी तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन में 92 बिलियन रुपीज़ इन हुए हैं और वॉल्यूम भी 100 मिलियन का इसमें हमने इजाफा देखा लास्ट वीक से। अच्छा चलिए, हम आते हैं लोअर साइड की तरफ। अब ये देखें मार्केट यहाँ पे डाउन डाउनवर्ड चैनल है इसका, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ये मार्केट कंसिस्टेंटली लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पहला लोअर लो जो बनाया था इसने, यहाँ से हम एक और ये लाइन लेते हैं, ये विक लेंगे सबसे पहले, और एक दो चले हम ये खाली दो विक ले लेते हैं, वो ये वाली विक तो काफ़ी ऊपर आ जाएगी, इसकी बॉडी आ जाएगी फिर तो हम इस दो कैंडल की विक ले लेते हैं, ठीक है।
एक तो हमने ये बेरिश कैंडल की विक ली है और एक ये डोजी की विक ली है, तो ये दोनों जिस तरह हमने यहाँ पे दोनों की विक ले ली थी, तो ये तो हो गया बिल्कुल लोअर साइड। ठीक है, अब लोअर साइड में बहुत जैसे हम कहते हैं कि इसकी सपोर्ट कहाँ बनती है। अच्छा पहले हम यहाँ पे, सॉरी हम थोड़ा सा मिस कर गए थे, यहाँ पे पहले हम रेजिस्टेंस पहले ले लें, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो ये पहला रेजिस्टेंस हम यहाँ देख सकते हैं, ये बनेगा 44,790 के अराउंड। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, एक मिनट, ये रेड कलर इसको मैंने दे दिया। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है, जो धोखेबाज है जिसने पहले भी धोखा दिया था, वो ये है, इसमें बहुत एहतियात करनी है। ठीक है, अब ये देखें जो CPR है उसके पास ही, जो इसका अपर बैंड है उसके पास ही इसका मेजर रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट मिलना, इसके ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्म होना और इसके भी ऊपर एक और बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, आप एंट्री ले सकते हैं फौरन। तो इसके बाद आपको जाके ये हो सकता है 48,000 भी दिखा दे, 46,000 एक ये लेवल होगा, 47,000, 46,000, 47,000 ये लेवल होंगे, ये आपको दिखा देगा। और हो सकता है इनकरीब ये दोबारा इसका जो समझे डबल टॉप बनने जाएगा वो जाएगा 48,400 के अराउंड, तो वो भी अनकरीब आपको दिखा सकता है, बशर्त है कि इसके ऊपर सस्टेन करें। और वो लेवल है 45,500 या 45,600 का, जो इसके अप ये जो अपर लेवल है इसका जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, ये ट्रेंड लाइन है। अच्छा आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करें, ठीक है, हमने जैसे ये बना लिया इसको, इसकी विक ले ली हमने, और हम यहाँ पे इसकी बॉडी भी ले लेते हैं। चलें इसको हम, इसका भी हम डबल लाइन इसकी हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना, इसकी वीक ले लेते हैं, ठीक है ना, इसकी वीक ले लेते हैं, और यहाँ से हम इसको बॉडी को टच करते हुए जाएंगे। जितनी बॉडीज टच होंगी ये ले लेते हैं, ये सबकी हमने बॉडीज ले ली यहाँ पे, काफ़ी कैंडल हो गई हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रा जूम इन करके बता दूँ, ठीक है, एक दो कि देखिए इसकी विक भी आ गई है, एक दो तीन, फिर ये इसकी विक आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, तो अच्छे मतलब जब 5, 6, 4, 5 भी कैंडल हो जाएं तो रिलायबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, हमने ज़्यादा ले लिए। चले तो अब जो सपोर्ट जो है, एक तो ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से एक सपोर्ट नज़र आ रही है इधर, ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम ये वीकली चार्ट कर रहे हैं तो ये वीक की सपोर्ट बता रहा हूँ, और हो सकता है ये आने वाले दिनों में, तो ये इंट्राडे में भी आ सकता है, बहुत करीब करीब है ये वाला सपोर्ट। इसको भी मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, देखिए ग्रीन कलर से कलर से आपको जो डिफाइन करने में आसानी होगी, भाई ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, वैसे भी इजीली पता चल जाता है कि नीचे ही है तो सपोर्ट ही होगी, ऊपर है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की लाइन होगी, लेकिन कलर से चलें बहुत अच्छा ईजी हो जाता है, कलरफुल भी हो जाता है चार्ट। तो अब आप देखेंगे एक ही हमने बना लिया, ये बन रहा है 39,890, ये जो भी पहली हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाई है। सेकंड जो है इसका जो बनाया नीचे हमने लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो बन रहा है 38,838। तो ये जो है ये अच्छे सपोर्ट लेवल बनते हुए, इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ से पहले बन गया होगा, ठीक है। अब जो है जो इस वक्त जो सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त जिस तरह कह रहे हैं ना, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दो, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको हम एरिया ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं, वो बनता हुआ एरिया ऑफ वैल्यू जो है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीक ऑन वीक बेसिस पे 39,890 या 39,800 या 900 ले लें राउंड फिगर में, यहाँ से लेके 38,800, 900 ये ले लें आप, या 700, ये 100, 100, 200 आगे पीछे प्लस होता है, विक कहीं भी बन सकती है, हो सकता है इसके भी नीचे कोई विक बन जाए, ठीक है, 38,200, 38,300 पे भी विक बन सकती है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजी अब आपको किस तरह करनी है। CPR को हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, 41,800 का लेवल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है कोई भी सॉरी मार्केट, तो हम इसमें फिर मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं, और जो भी ट्रेडर हैं वो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।